हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC बैंक रेगुलर करंट अकाउंट के बारे में कि इस अकाउंट के क्या फीचर्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस अकाउंट के फीस और चार्जेस क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाने वाली है HDFC बैंक के रेगुलर करंट अकाउंट के बारे में। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ फटाफट से आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस अकाउंट में आपको फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट HDFC बैंक के होम ब्रांचेस से पर मंथ मिलती है 2 लाख रुपये तक। आप HDFC बैंक की होम ब्रांचेस से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं हर महीने 2 लाख रुपए तक, या फिर 25 कैश ट्रांजेक्शन्स। तो इनमें से जो भी पहले हो उसके बाद जो है वो फ्री लिमिट चली जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने जो है महीने में 2 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर लिया है, तो उसके बाद फिर आप जो है कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि फ्री नहीं रहेगा, उसके बाद चार्ज आपसे लिया जाएगा अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो। या फिर अगर आपने 25 ट्रांजेक्शन कर लिए हैं तो फिर अगर आप डिपॉजिट करोगे कैश तो वहाँ पे आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा, वो फ्री नहीं रहेगा। इस अकाउंट में आपको लोकल और इंटरसिटी चेक कलेक्शन फ्री मिलता है, उसके लिए कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है चेक कलेक्शन के लिए। और HDFC बैंक से HDFC बैंक में जो पेमेंट्स होते हैं वो भी फ्री होते हैं। और आपको इंस्टा अलर्ट की सर्विस मिलती है, तो जिससे कि जब भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं आपके अकाउंट से तो उसके लिए आपको अलर्ट्स भेजे जाते हैं, मतलब SMS अलर्ट आपको दिए जाते हैं। इस अकाउंट से आप 1 लाख रुपये से ऊपर के डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर इशू कर सकते हैं, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर 1 लाख रुपये से नीचे का डिमांड ड्राफ्ट है या फिर पे ऑर्डर है तो फिर उस पर आपसे चार्ज लिया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट को शॉर्ट में DD कहा जाता है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर 1 लाख रुपये से नीचे का अमाउंट होगा DD का या फिर पे ऑर्डर का तो उसके लिए कितना आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो अगर DD मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट 50,000 रुपये तक का है तो उसके लिए चार्ज होगा 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपये। और अगर डिमांड ड्राफ्ट 50,000 से ऊपर का है और 1 लाख रुपये तक का है तो उसके लिए चार्ज होगा 25 रुपीज़, मतलब 25 रुपये। इस अकाउंट में आपको जो चेकबुक दिया जाता है उसका नॉमिनल चार्ज होता है, मतलब कि कम चार्ज होता है। तो अभी चार्जेस वगैरह के बारे में हम जानेंगे आगे। तो चलिए जो है अभी और इसके फीचर्स और बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर किसी को होम ब्रांच नहीं समझ आ रहा हो कि ये होम ब्रांचेस क्या हैं, तो जो आपके सिटी की ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि HDFC बैंक की ब्रांचेस जो आपकी सिटी में हैं, वो सब आपकी होम ब्रांचेस होंगी HDFC बैंक की। और इस अकाउंट के साथ में कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह आती हैं, जैसे कि डोर स्टेप बैंकिंग में कैश पिकअप या फिर जो है चेक पिकअप, कैश डिलीवरी वगैरह। तो ये सारे जो है फैसिलिटीज़ इस अकाउंट के साथ में आती हैं। तो ये थे इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर भी देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके सब कुछ। तो सबसे पहले तो जो एज होनी चाहिए वो 18 या फिर 18 अबव होनी चाहिए, मतलब 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। जैसे कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए भी इतनी एज होनी चाहिए होती है। ये कोई माइनर अकाउंट तो है नहीं, मतलब ये माइनर के लिए तो अकाउंट है नहीं, तो इसलिए एज इतनी चाहिए ही चाहिए। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल होना ज़रूरी, मतलब अगर कोई पर्सन इस अकाउंट को ओपन कर रहा हो तो इंडिया में उसका रहना ज़रूरी है, इंडिया में रह रहा हो या इंडिया में रह रही हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस अकाउंट को ओपन कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात हो रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, इसी तरह से यहाँ पे एसोसिएशंस और क्लब, सोसाइटी, ये भी जो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और इसी तरह से वो फॉरेन नेशनल जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, मतलब कि किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर रह रहा हो तो वो भी ओपन कर सकता है। कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो उसके लिए भी अकाउंट है। तो ये जो अकाउंट है ये स्मॉल बिजनेसेस वगैरह के लिए बहुत सही है। तो जिनके छोटे मोटे कारोबार हो, छोटे मोटे काम हो, तो उनके लिए सही है। जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे सेविंग्स अकाउंट से काम नहीं चलता है, तो इस करंट अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। बाकी जिनका बिज़नेस बड़ा हो उनके लिए बड़े करंट अकाउंट्स हैं HDFC बैंक के पास, तो वो ओपन करा सकते हैं। जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, क्योंकि इस वीडियो के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग आगे रिक्वेस्ट करेंगे दूसरे करंट अकाउंट्स के लिए तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस अकाउंट में एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 10,000 रुपीज़, मतलब 10,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं जो नॉन मेट्रो लोकेशंस हैं, मतलब जो नॉन मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे। और अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको नॉन मेंटेनेंस का चार्ज देना होता है, जो कि 1,500 रुपीज़, मतलब कि 1,500 रुपये होते हैं। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST अलग से इंक्लूड किया जाता है। तो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन ना करने पे, मतलब मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पे आपको 1,500 रुपये प्लस GST चार्ज देना होता है पर मंथ, जब तक आप बैलेंस जो है पूरा मेंटेन ना करें। और इस अकाउंट में अगर रिक्वायर्ड बैलेंस 75% कम बैलेंस मेंटेन हो रहा है तो फिर आपको जो फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट मिली हुई है वो लैप्स हो जाएगी, मतलब वो फ्री नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है अपने अकाउंट में पूरे के पूरे बैलेंस मेंटेन करके चलने हैं।
और इतने बैलेंस होने चाहिए हैं कि वो 75% से ऊपर ही हो, मतलब जो रिक्वायर्ड बैलेंस है जितनी की ज़रूरत है उसके 75% तक तो होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो चार्ज तो आपको पड़ेगा ही, जो आपको फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट मिलती है वो भी लैप्स हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कैश ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कैश डिपॉजिट के बारे में। जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया कि आपको पर मंथ आपके HDFC बैंक के होम ब्रांचेस से आपको 2 लाख रुपए तक फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट मिलती है या फिर 25 फ्री कैश ट्रांजैक्शन लिमिट मिलती है, इनमें से जो भी आप पहले लिमिट यूज़ कर लेते हो उसके बाद आपसे जो है चार्ज लिया जाता है। तो ये जो चार्ज होता है ये हर 1000 रुपये पर आपसे जो है 3 रुपया चार्ज लिया जाता है, जिसमें मिनिमम आपको 50 रुपये चार्ज देना होता है। ये पर ट्रांजेक्शन का मैं बता रहा हूँ। अगर लिमिट आपने पूरी यूज़ कर ली, चाहे आपने 2 लाख रुपये पहले डिपॉजिट करके लिमिट कंप्लीट कर ली या फिर जो है 25 ट्रांजेक्शन करके आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद से आपको जो है चार्ज देना होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हर 1000 रुपये पे 3 रुपये का चार्ज, जिसमें कि मिनिमम आपको 50 रुपये चार्ज देना होगा, इसका क्या मतलब होता है। तो मान लीजिए आप अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हो जिसका अमाउंट बहुत बड़ा है, तो हर 1000 रुपये पे अगर 3 रुपये काउंट किए जाएँ तो वो 50 रुपये से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो है हर 1000 रुपये पे आपसे 3 रुपये चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ही कम अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए 1000-2000 डिपॉजिट कर रहे हो, तो वहाँ पे 3 रुपये या फिर 6 रुपये चार्ज नहीं लिए जाएंगे, कम से कम 50 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। और इसी तरह से आप लोगों को आगे भी इस तरह से एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। और फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट आपको नन होम ब्रांच से मिलती ही नहीं है। अगर आप जो है नन होम ब्रांच से कैश डिपॉजिट करते हो तो हर 1000 रुपये पे आपको 3.5 रुपये का चार्ज लगता है, मतलब कि 3.50 रुपये का चार्ज लगता है, जिसमें कि कम से कम आपको 50 रुपये चार्ज देने होते हैं। और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पर ट्रांजेक्शन का, जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तब। और आप नन होम ब्रांच से पर डे 10,000 रुपये तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो। कैश विड्रॉल लिमिट के बारे में बात करें कि आप कितना अपने अकाउंट से कैश विड्रॉल कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, तो आप अपने होम ब्रांच से जितना चाहे उतना कैश विड्रॉल कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, वो बिल्कुल फ्री होता है, उस पर कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने नन होम ब्रांच से कैश विड्रॉल करते हो, पैसे निकालते हो, तो ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपसे चार्ज लिया जाता है। हर 1000 रुपये पे 2 रुपये चार्ज होता है, जिसमें कम से कम आपको 50 रुपये का चार्ज देना होता है पर ट्रांजेक्शन। बात करते हैं बल्क ट्रांजेक्शंस के बारे में, जिसमें कि कई तरह के ट्रांजेक्शंस को शामिल कर लिया जाता है और उसके लिए एक फ्री लिमिट बनाई जाती है, जैसे कि चेक क्लियरिंग और जो फंड ट्रांसफ़र के ट्रांजेक्शंस होते हैं उन सबको शामिल करके एक फ्री लिमिट दी जाती है। आपको महीने में 50 फ्री आपको ट्रांजेक्शंस मिलते हैं महीने में। उसके बाद अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो हर ट्रांजेक्शन पर आपको 10 रुपये चार्ज देने होते हैं। और दोस्तों अगर आप चेकबुक लेते हो तो पर लीफ का चार्ज यहाँ पर 2 रुपये है, जो कि कम ही है, क्योंकि इस अकाउंट में चेकबुक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे चार्ज जो है इसके लिए कम रखा गया है, करंट अकाउंट है इसलिए। NEFT या फिर RTGS अगर आप ऑनलाइन करते हो इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से, तो वो फ्री, उस पर कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप ब्रांच से करते हो तो उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाता है। अब ये चार्ज कितना होता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो अगर आप NEFT कर रहे हैं, मतलब कि NEFT से फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, तो अगर अमाउंट 1 लाख रुपये तक है तो उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाएगा 2 रुपये, और 1 लाख रुपये से ऊपर है तो उसके लिए चार्ज आपसे लिया जाएगा 10 रुपये। और RTGS अगर आप कर रहे हैं, RTGS पेमेंट कर रहे हैं, मतलब फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए, मतलब कि अगर आप ऑफलाइन करते हो, ब्रांच से करते हो, अगर आप ऑनलाइन करोगे तो वो तो फ्री है, HDFC बैंक की नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से फ्री है, ऑफलाइन करते हो तो उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाता है। तो अगर जो अमाउंट RTGS का 2 लाख रुपये से ऊपर है तो 15 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। और अगर यहाँ पर हम IMPS के बारे में बात करें तो ये चार्जेबल होता है, आप चाहे कैसे भी करो। तो 1000 रुपये तक का अगर अमाउंट है तो उस पर आपको 3.5 रुपये का चार्ज देना होता है, मतलब कि 3.50 रुपये। और अगर 1000 रुपये से ऊपर का अमाउंट है, वो 1 लाख रुपये तक का अमाउंट है, मान लीजिए कि 1001 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का अमाउंट है, तो उस पर आपको 5 रुपये चार्ज देना होता है। और 1 लाख रुपये से ऊपर का अगर अमाउंट है और वो 2 लाख रुपये तक का है, तो उस पर आपको 15 रुपये चार्ज देना होता है। दोस्तों बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में, तो इस अकाउंट में आपको इजी शॉप बिजनेस डेबिट कार्ड मिलता है, जिसकी जो एनुअल फ़ी होती है, फिर एनुअल जो चार्ज होता है, वो 250 रुपीज़ प्लस GST होता है, मतलब 250 रुपये प्लस GST होता है। और इसकी डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपये तक होती है। और इसकी डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट, जिसको आप डेली मर्चेंट लिमिट भी कह सकते हो, POS लिमिट भी कह सकते हो, परचेस लिमिट भी कह सकते हो, 5 लाख रुपये की होती है। और अगर आप अपने डेबिट कार्ड को HDFC बैंक के ATM मशीन पे यूज़ करते हो तो अनलिमिटेड फ्री, उस पर कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। और अगर आप HDFC बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के ATM पे यूज़ करते हो अपने HDFC बैंक के डेबिट कार्ड को, नन HDFC बैंक के ATM पे यूज़ करते हो, तो उसमें आपको फ्री लिमिट नहीं मिलती, नो फ्री लिमिट, आपको हर ट्रांजेक्शन पे 20 रुपये का चार्ज देना होता है। बात करते हैं अकाउंट क्लोजर चार्जेस के बारे में, तो अगर आप इस अकाउंट को 14 दिनों के अंदर अंदर क्लोज़ करा देते हो तो कोई चार्ज नहीं होता है, और अगर आप 15 दिन से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर क्लोज़ करा दे तो 500 रुपये चार्ज होता है, और 6 महीने से लेकर के 12 महीने के अंदर अंदर क्लोज़ करा दे तो 250 रुपये चार्ज होता है। और अगर जो है 12 महीने के बाद, मतलब साल भर के बाद जो है बंद कराते हो
क्लोज कराते हो तो उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक रेगुलर करंट अकाउंट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दी थी। मैंने इसके फीचर्स और बेनिफिट्स भी बता दिए, मैंने इसके फीस और चार्जेस भी बता दिए। अब अगर आपको ये अकाउंट ओपन कराना हो तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसको ओपन करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको ब्रांच से भी ओपन करा सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रांच से ओपन कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आपकी चॉइस, आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर होती है, क्योंकि ये जो है प्राइवेट बैंक है तो इसमें ईजिली अकाउंट ओपन हो जाता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है उसको जरूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।